नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व घर से गायब हुई एक किशोरी का शव गांव के ही तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे किशोरी के परिजनों ने रेप के बाद हत्या के साथ पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के साथ शव को आजमगढ़ बलिया राज्य मार्ग पर रख कर जाम लगा दिया। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। घंटों बाद अधिकारियों और परिजनों में वार्ता के बाद जाम समाप्त हुआ। इस घटना में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एसपी सिटी पंकज पांडे ने बताया कि दो दिनों पूर्व किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। इसी बीच आज सुबह गाँव के बाहर स्थित तालाब में किशोरी का शव मिला है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की तहरीर दी है। थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही, जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। अपन जान दे दे, मगर हम जब तक जान ले ना तब तक हम जान ना दे। वो कमी ना खाती कानून ना है, खाती कानून है। जैसे हमारे लड़की के धर्म लाओ तो मर ले हाँ, वैसे उनको मर नहीं चाहिए हाँ। जान चाहिए, जान चाहिए, हमारे कुछ नहीं जाना, जान के बदले जाए, जान चाहिए, जान चाहिए, बस। ये थाना मुबारकपुर क्षेत्र में कल एक लड़की की गुमशुदगी लिखी गई थी। आज सुबह उस लड़की की लाश उसके गांव में पास के तालाब से बरामद हुई है। इस मामले में घर वालों ने जो उस एक लड़के के खिलाफ तहरीर दी है 376-302 की, वो थाने पर पंजीकृत की जा रही है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की के शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी साक्ष्य और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी भी हुई है सर? मैंने बताया जो आरोपी है वो हमारे कस्टडी में है। जो आरोपी है वो हमारी कस्टडी में है। ये जांच का विषय है। चूँकि डेड बॉडी का पीएम हो रहा है, डेड बॉडी जो तालाब से मिली है इसका पीएम होगा, पीएम से ये उजागर होगा कि इसकी हत्या कैसे हुई। परिजन कह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहिए होती तो इतना बड़ा काम। परिजन जो बता रहे हैं उनकी पूरी बात हमने सुनी है और उसका संज्ञान लिया है। जो भी इसमें अगर पुलिस की कोई लापरवाही होगी तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।